स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन हार्मोन्स एंड एंजाइम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स हार्मोन एंड एंजाइम को हम लोग समझेंगे। कैरेक्टरिस्टिक फीचर सबसे पहला लेते हैं केमिकल नेचर। तो जो हार्मोन्स होते हैं वो प्रोटीन्स नेचर के हो सकते हैं, अमाइनो एसिड हो सकते हैं, स्टेरॉइड्स हो सकते हैं, लेकिन एंजाइम्स क्या हो सकते हैं, वन एंड ओनली प्रोटीनस नेचर के होते हैं। ओरिजिन की बात करें तो इंडोक्राइन ग्लैंड से, इट मींस वो हमारे बॉडी की वो ग्लैंड जो डक्टलेस होती है, उस ग्लैंड से ओरिजिन होता है किसका, सिक्रीशन होता है किसका, हार्मोन्स का। और वहीं एंजाइम की बात करें तो एक्सोक्राइन ग्लैंड से इनका सिक्रीशन होता है। इट मींस ये ऐसी ग्लैंड्स हैं जो डक्ट के साथ अपना सिक्रीशन टारगेट प्लेस पे भेजती हैं। तो ये विद डक्ट वाले हैं और ये विदाउट डक्ट वाले हैं। अगर ये विदाउट डक्ट वाले हैं तो इनका जो ट्रांसपोर्टेशन, अगला डिफरेंस है, ट्रांसपोर्टेशन हार्मोन्स का होता है ब्लड के द्वारा, और वहीं एंजाइम्स की बात करें तो डक्ट के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होता है। फॉर एन एग्जांपल, पैनक्रियाटिक जूस जो है उसको लेकर के पैनक्रियाटिक डक्ट आता है, बाइल जूस को लेकर के बाइल डक्ट या हिपेटिक डक्ट आता है डुओडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में। तो हार्मोन्स ब्लड के द्वारा ट्रेवल करेंगे और वहीं एंजाइम ट्रेवल करेंगे डक्ट के द्वारा। मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो हार्मोन का लोअर मॉलिक्यूलर वेट होता है और उसके कंपैरिजन में एंजाइम्स का मॉलिक्यूलर वेट हाईर होता है। अमाउंट, इट मींस किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कितने अमाउंट में जरूरत होगी, तो हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट बहुत लेस अमाउंट में होती है उस किसके कंपैरिजन में, एंजाइम के कंपैरिजन में एंजाइम की रिक्वायरमेंट मोर होती है, ज्यादा होती है। इफेक्ट्स की अगर हम लोग बात करें कि अगर हार्मोन्स एक्सेस हो जाए या लेस हो जाए किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने में, तो काजेज एबनॉर्मेलिटीज हो जाती हैं, इससे आपको दिक्कत आ सकती है, डिजीज्ड कंडीशन बन सकती है। लेकिन वहीं हम लोग एंजाइम्स की बात करें, व्हेन एक्सेस एंड लेस डू नॉट कॉजेस एबनॉर्मेलिटी काज नहीं करते हैं। हार्मोन के साइट ऑफ एक्शन की बात करें तो इट एक्ट फॉर अ डिस्टेंट प्लेस फॉर सिक्रीशन, इट मींस जहां पे सिक्रीट होता है वहां से दूर जाकर के। इट मींस फॉर एग्जांपल, अगर सिक्रीट हो रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा LH एंड FSH, तो वर्क करता है टेस्टिस के ऊपर, लेडिंग सेल्स पे, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट कराता है। इससे हम समझ पा रहे हैं कि हार्मोन जो होता है जहां से सिक्रीट होता है वहां से दूर जाकर के अपने फंक्शन को परफॉर्म करता है। साइट ऑफ एक्शन इसका क्या होता है, डिस्टेंट प्लेस पे होता है। एंजाइम्स की बात करें तो एक्ट एज अ प्लेस फ्रॉम वेयर दे प्रोड्यूस, ये वही वह फंक्शन करते हैं जहां पे ये प्रोड्यूस होते हैं। ग्लैंड की बात करें तो हार्मोन इंडोक्राइन ग्लैंड है और वहीं एंजाइम एक्सोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होता है। फैक्टर अफेक्टिंग की बात करें तो हार्मोन्स को नो इफेक्ट, इट मींस हार्मोन्स को पीएच एंड स्पेसिफिक टेम्परेचर पे कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन यहां एंजाइम केवल स्पेसिफिक पर्टिकुलर टेम्परेचर और पीएच पे फंक्शन करेंगे। जैसे आपके बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, जैसे 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर होता है तो हमारे बॉडी के एंजाइम डीनेचुरेट हो जाते हैं, फंक्शन करना बंद कर देते हैं। यहां पर हम लोग बात करें फंक्शन की, तो इंफॉर्मेशनल मॉलिक्यूल के जैसा फंक्शन करता है हार्मोन, केवल फंक्शन को स्टिमुलेट करता है, इंफॉर्मेशन देता है पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको बताया पिट्यूटरी हार्मोन LH एंड FSH, LH वर्क करता है टेस्टिस के लैडिंग सेल्स पे और उसको ये बताता है कि अब आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करना है। और वहीं एंजाइम्स की बात करें तो ये रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए होता है, रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है, कई गुना मल्टीपल्स में इंक्रीज कर देता है। यहां पे अगर हम लोग रोल की बात करें हार्मोन्स का, तो हार्मोन स्टिमुलेट करता है रिएक्शन को, वहीं एंजाइम एक्ट करता है एज अ बायो कैटलिस्ट के जैसा, रिएक्शन में साथ बना रहेगा, सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराता है, ये काम होता है एंजाइम का। हार्मोन्स एंड एंजाइम दोनों के स्पेसिफिसिटी की बात करें तो हार्मोन्स आर टारगेट सेल स्पेसिफिक, इट मींस ये किसी पर्टिकुलर सेल को टारगेट करता है, स्टिमुलेट करता है और फंक्शन को परफॉर्म कराता है, और इसका जो फंक्शनिंग होता है वो डिपेंड करता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पे। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में ये किसी भी फंक्शन को पहले स्टिमुलेट करता है बाय द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड देन उसी फंक्शन को सिक्रीशन को कंट्रोल करता है बाय द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। हार्मोन्स
इस फीडबैक मैकेनिज्म पे फंक्शन करता है। और वही एंजाइम्स की हम लोग बात करें तो एंजाइम सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं। इसमें से स्पेसिफिक एंजाइम होता है किसी भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। हर एक सबस्ट्रेट के लिए अलग अलग एंजाइम होगा जो उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराएगा, सब्जेक्ट एंड प्रोडक्ट का कॉम्प्लेक्स बना लाइक अ लॉक एंड की हाइपोथेसिस इसके फंक्शनिंग को एक्सप्लेन करता है। तो एंजाइम्स आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक, डिपेंड्स ऑन सबस्ट्रेट टू परफॉर्म द फंक्शन। इट मींस ये सबस्ट्रेट पे डिपेंड होता है। अगर सबस्ट्रेट का अमाउंट कम है तो प्रोडक्ट कम बनेगा, एंजाइम की फंक्शनिंग क्या होगी, कम होगी। तो ये सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होता है। और वहीं हार्मोन्स क्या होता है, सेल स्पेसिफिक होता है। तो आज का यह वीडियो यहीं पे होता है समाप्त। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद।